दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से हिल गए कांगारू। तो आखिरकार चौके छक्कों की बरसात करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने कितनी गेंदों में ठोक दिए शतक। सूर्य कुमार यादव ने कैसे नॉर्थन लियोन की एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए। ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी में कितने छक्के लगे। कितनी गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया अपना शतक। दिखाएंगे इन दोनों की बल्लेबाजी की शतकीय पारी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में से सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? हमें अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसका पहला दोनों ही मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम किया। भारत ने न सिर्फ कांगारू को हराया बल्कि उनके किसी भी डिपार्टमेंट में टिकने का मौका नहीं दिया, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हर जगह लाजवाब खेल दिखाया। दोस्तों भारत पहला और दूसरा टेस्ट मुकाबला तो बड़ी आसानी से जीत गया, लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को शर्मनाक हार का स्वाद चखना पड़ा। अब दोस्तों टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरीके से तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो सीधे WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा या फिर ड्रॉ करवाना पड़ेगा, इसलिए भारत के लिए यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हर हाल में इस मुकाबले में कमबैक करना चाहेगी, जिसके लिए दोनों ही टीमों ने आपस में एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला। इस मुकाबले में जब सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने शुरुआत से ही ठान लिया था कि वो कांगारू गेंदबाजों पर जरा भी रहम नहीं करने वाले हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को पहले ही गेंद मिशेल स्टार्क ने डाली और सबको हैरान करते हुए सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए ये बता दिया कि आज ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की खैर नहीं है। यहाँ से सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का तूफान शुरू हो गया। मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में सूर्य और ईशान ने 2 छक्के और 1 चौका सहित कुल 18 रन ठोक दिए। दोस्तों जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना पहला ओवर खेला था, सबको समझ में आ गया था कि आज ये दोनों ही बल्लेबाज कुछ बड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। फिर क्या था, केवल 19 गेंदों में ही तबाही मचाते हुए जहां सूर्य ने अपना अर्धशतक लगा दिया। अपनी पारी में सूर्य ने 6 छक्के और 3 चौके लगाए। अर्धशतक बनाने के बाद तो सूर्य ने बल्ला भी नहीं उठाया था, वो सीधा खेलने चले गए। ऐसा लग रहा था कि मानो वो केवल ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की पिटाई करने के इरादे से ही मैदान पर उतरे हैं। इसके बाद फिर क्या था, उन्होंने अर्धशतक लगाने के बाद और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने निशाना बनाया ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नॉर्थन लियोन को। बता दे जैसे ही ये गेंदबाज सूर्य कुमार यादव को बॉल डालने आए, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा उनका ही इंतजार कर रहे थे। नॉर्थन लियोन की पहले ही गेंद को सूर्य ने स्टेडियम पर पहुंचाया। दोस्तों गेंद दोबारा मिल ही नहीं पाई। स्टेडियम पर सूर्य के छक्के को नॉर्थन लियोन बस देखते ही रह गए। सूर्य का तूफान यही नहीं रुकने वाला था। इसके बाद सूर्य ने इस ओवर में 1-2 नहीं बल्कि कुल 4 छक्के लगाए। जी हाँ, आसमानी छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने नॉर्थन लियोन की धजिया उड़ा दी। फिर क्या था, इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव अपने शतक के करीब पहुंच गए। सूर्य केवल 32 गेंदों में 95 रनों के स्कोर पर थे। अब बस उन्हें शतक लगाने के लिए एक बाउंड्री की ही जरूरत थी। बोलन की गेंद पर सूर्य ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और ये बता दिया कि चौथे टेस्ट मुकाबले में उनका भयंकर तूफान सामने आने वाला है। वहीं दूसरे तौर पर ईशान किशन ने भी तूफानी शतकीय पारी खेलते हुए 1-2 नहीं बल्कि कुल 8 छक्के और 7 चौके के साथ 40 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लिया। तो दोस्तों आप इन दोनों ही बल्लेबाजों के इस खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।